हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग कर्ल का डेरिवेशन कर रहे थे और अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था, ये कर्ल का वैल्यू, कर्ल मॉड ऑफ यू थ्री, मतलब जो यू थ्री घटक है, जैसे जेड घटक कैलकुलेट करना है, फिर एक्स घटक करना है, फिर वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना, उसी तरीके से हमने यू थ्री कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया था। यू थ्री कंपोनेंट आया था अपने पास। तो ये जो आया था वो एक्चुअल में ये कौन सा था, U3 था। U3 इसलिए था क्योंकि हमने U1 और U2 के बीच में बनाया था। जो बेसिक, जो सबसे पहले जो हमने डायग्राम बनाया था वो U1 और U2 के बीच में था, ये U1 और U2 के बीच में। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा कर्ल का, यहाँ से जो कर्ल निकालेंगे उसका जो डायरेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर, U1 U2 सरफेस के परपेंडिकुलर U3 होता है। इसका मतलब है इसका परपेंडिकुलर U3 डायरेक्शन में, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो U3 डायरेक्शन का कंपोनेंट निकल के आया है। U3 मतलब जैसे Z घटक होता है वैसे, तो U3 घटक निकल के आया है। फिर U1 भी निकालेंगे, U2 भी निकालेंगे, ठीक है। तो अभी ये U3 आया था अपने पास में, जो आया था U3 घटक, U3 कंपोनेंट है, ये है U3 कंपोनेंट, लास्ट लेक्चर का था ये। इसको इक्वेशन नंबर मैं 9 कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। इसी तरीके से, इसी वे में हमारे पास में क्या आएगा, U1 भी आएगा और U2 भी आएगा। तो इसी प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली देखिए, सिमिलरली क्या होगा, कर्ल का जो कंपोनेंट आएगा कौन सा, U1 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, U2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो U1 करें, देखो सिमेट्री से देखेंगे कैसे क्या है। इसमें 3 था तो यहाँ पे 3 नहीं था, 1 और 2 आया था। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा H2 और H3 आएगा। आगे चलते हैं, डेल, ठीक है। पहले ये अंदर का मटेरियल बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे डेल बाय डेल। देखो यहाँ पर U1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और फिर 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ऐसा है सिस्टम, जैसे 1 2 3 ऐसे लो। तो हम लोग 3 वाले के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो पहले 1 के रेस्पेक्ट में हुआ फिर 2 के। 3 वाले के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो इसके आगे वाले के रेस्पेक्ट में हुआ और फिर उसके आगे वाले के रेस्पेक्ट में हुआ। तो 3 वाले के रेस्पेक्ट में करें तो पहले 1 इसके जस्ट आगे वाले में और फिर उसके जस्ट आगे वाले में। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 के जस्ट आगे वाले से और फिर उसके आगे वाले से। तो 1 के जस्ट आगे कौन है, 2 और फिर 3। तो पहले 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ऐसा बीच में माइनस आएगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिखते हैं, यहाँ पे 3 था तो 3 से जस्ट पहले कौन आता, 2। तो यहाँ पे 2 वाला आ गया और फिर जो बाकी जो 2 से पहले आता वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 1 है तो 1 वाला यहाँ पे आया है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 वाला है, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा A3H3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आएगा A2H2। ये आई थिंक बेटर है, इसको इक्वेशन नंबर 10 कर दो। एक और करते हैं कल U2 के लिए, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। कल ऑफ ए वेक्टर U2 के लिए, तो यहां पर 2 है तो यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर H1 और H3 आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को पता है कि इसके जस्ट आगे वाले से डिफरेंशिएशन होता है और फिर उसके आगे वाले से। तो 2 है तो 2 के जस्ट आगे वाले से डिफरेंशिएशन होगा, 2 के जस्ट आगे होता 3 और फिर यहां पर आएगा 3 के जस्ट आगे वाले, 3 के जस्ट आगे आता 1, ऐसा। यहां पर 1 आ गया तो यहां पर आएगा A1H1 और यहां पे 3 आ गया तो यहां पे आएगा A3H3, ये बीच में माइनस। ये आ गया इक्वेशन नंबर 11। ये कर्ल के कंपोनेंट आ गए U1 डायरेक्शन में, U2 डायरेक्शन, जैसे होता है ना, ये जेड कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, उस तरीके से है ये, ठीक है। समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। इसको पॉज करके छाप लेना, ये चीजें समझने के लिए है, साइड में लिखते रहना अगर आपको समझना हो तो, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है ये चीज़ें, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब देखो कर्ल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कर्ल है, सिंस कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है, कर्ल ए वेक्टर
तो क्या होगा, जैसे कर्ल वेक्टर क्वांटिटी है, तो कर्ल का एक्स घटक भी आएगा, वाई घटक भी आएगा, जेड घटक भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग u1 डायरेक्शन का घटक, u2 डायरेक्शन का और u3 डायरेक्शन का घटक ऐसे लेंगे। तो कर्ल ए वेक्टर का जो u1 कंपोनेंट है वो u1 कंपोनेंट e1 कैप डायरेक्शन में आएगा, प्लस कर्ल का जो u2 डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है और e2 कैप, प्लस कर्ल का u3 डायरेक्शन का जो घटक है वो e3 डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे ये तो परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड है e1 कैप डायरेक्शन में, फिर ये e2 कैप वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं ना, इसमें तीनों के वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, कर्ल u1 u2 u3 टोटल कर्ल मिल जाएगा अपने को। तो 9 10 और 11 से वैल्यू पुट करो, इक्वेशन 9 10 और 11 से, 9 10 और 11 से, तो समीकरण 9 10 11 से मान रखने पर समीकरण 9 10 व 11 से मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 10 एंड 11, ठीक है, रखो वैल्यू कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो आएगा क्या, इसका वैल्यू रखो, इसका रखो, इसका रखो, सबका रख दे। तो देखिए एक चीज तो इसमें है, क्या है, तीनों के वैल्यू पुट कर देते अपन, तो सीधा सा हिसाब ऐसा है। तो इसमें पहले में वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आएगा 1/h, 1 में है तो 2 3 del/del u2 - del/del u3, इसमें आएगा a2h3 सॉरी -del/del u3, और इसके अंदर आता है a3h3 - a2h2, ऊपर से वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस मैं, ये किसका है, इसका वैल्यू लिख दिया, ये इसका वैल्यू यही था, ये वाला u2 के रेस्पेक्ट में, फिर u3 के रेस्पेक्ट में, h2h3 बाहर था, ये वैल्यू रख दिया यहाँ पे, और e1 कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e1 कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये e1 कैप से, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा है h2 का है e2 सॉरी सेकंड है, तो h1 h3 del/del u3 - del/del u1, यहाँ पे आएगा a1 h1, यहाँ पे आएगा a3 h3, यहाँ पे e2 कैप आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड का आ गया, u2 का आ गया, u2 का जो हमने कैलकुलेट किया था ये 3 और 1 के रिस्पेक्ट में, ये आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लस, वो है 1/h1 h2 del/del u1 - del/del u3 a3 h3 a1 h1 और e3 कैप, ऐसा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसको जुगाड़ बनाते हैं, काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे करते हैं, यहां पर देखो इनमें हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे 1/h1 h2 h3 कॉमन ले लूं, सबसे 1/h1 h2 h3, तो इसको मैं h1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें h1 नहीं है ना, h1 से मल्टीप्लाई कर दूं, h1 से मल्टीप्लाई कर रहा नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो ये ऊपर ऐसा है कि यहां पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं h1 से, कोई प्रॉब्लम, इसमें 2 नहीं है तो इसको h2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे भी h2 आ जाएगा, इसमें 3 नहीं है तो इसको h3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी कर देता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि वापस से कैंसिल आउट हो जाएगी सब जगह से। अब इन तीनों में
वन अपॉन एच वन, वन अपॉन एच टू, वन अपॉन एच थ्री, ये कॉमन आ रहे हैं। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो है ऐसा आ जाएगा, वन अपॉन एच वन, एच टू, एच थ्री, ये कॉमन आ गया। ये कॉमन आ गया। बाकी का देखो, ये जो बचा डेल बाय डेल यू टू ए थ्री एच थ्री माइनस डेल बाय डेल यू थ्री ए टू एच टू एच वन ई वन कैप, इसमें देखिए आगे प्लस वन अपॉन एच वन एच टू, ये तो कॉमन आ ही गया। इसमें जो बचा डेल ए वन एच वन बट डेल यू थ्री माइनस डेल ए थ्री एच थ्री अपॉन डेल यू वन, और ये है एच टू ई टू कैप। और लास्ट टाइम जो बचा वो आ गया प्लस, एक सेकेंड, इसको आप एक काम करो, इसको इस टाइप के ब्रैकेट में डाल दो, बड़े ब्रैकेट में ये सारा आ जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट का जो है वो आएगा आपका डेल बाय डेल यू वन ए थ्री एच थ्री माइनस डेल बाय डेल यू थ्री ए वन एच वन, और ये आ जाएगा एच थ्री ए थ्री कैप। ये मिल गया तीनों का, क्लियर। ये मिला पहुंच कर, कुछ नहीं किया मैंने, ये वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री तीनों में से कॉमन लिया और बाकी वैसा का वैसा ही लिखा है, ठीक है। अब आगे चलिए, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो देखना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं मैट्रिक्स फॉर्म में, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, अंदर वाले को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे, एच वन ई वन कैप, एच टू ई टू कैप, एच थ्री ई थ्री कैप, ठीक है। और ये जो है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैसे, डेल बाय डेल यू वन, डेल बाय डेल यू टू, डेल बाय डेल यू थ्री, ए वन एच वन ए टू एच टू ए थ्री एच थ्री। इसको वापस सोल्व करते हैं तो ये मिलता है क्या, एक बार ट्राई करके देख लेते, एक टर्म कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बाकी फिर वैसे मिल जाएंगे। देखो, अगर ये क्या है, एक तरीके से इसको सोल्व करना आता ना, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें, तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें तो पहला टर्म में बाहर आएगा एच वन ई वन कैप, ठीक है। ये हो गया, इसके साथ में डिफरेंशिएशन होगा डेल बाय डेल यू टू का, यू टू के रेस्पॉन्ड ए थ्री एच थ्री का डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में होगा माइनस डेल बाय डेल यू थ्री ए टू एच टू। ये मिला कि नहीं मिला, ये पहला टर्म आया है कि नहीं, देखिए एक बार, डेल बाय डेल यू टू दिस वन, डेल बाय डेल यू थ्री ये दिस वन, बाहर एच वन ई वन कैप, एच वन ई वन कैप, ये पहला टर्म मिल गया। इस तरीके से दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा, सारे टर्म मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। किसी का कर्ल कैलकुलेट करना हो ना तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये कर्ल का फॉर्मूला आ गया भैया आपके पास में, ये कर्ल का फॉर्मूला इस तरीके से आप सिंपली याद रख सकते हो। ऐसे तो याद रखोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, ये क्या क्या ध्यान रखोगे, इस तरीके से याद रख लेना, ये आसान है। ये कर्ल का फॉर्मूला आ गया, जैसे डाइवर्जेंस का हमने कैलकुलेट किया था ना, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का हमने ऐसे कैलकुलेट किया था, वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, फिर आया था डेल ए वन एच टू एच थ्री, डेल यू वन, फिर डेल बाय डेल यू टू, फिर ए टू एच वन एच थ्री, फिर डेल बाय डेल यू थ्री ए थ्री एच वन एच थ्री एच टू,
ऐसा एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था डाइवर्जेंस का, तो सेम उसी वे में कर्ल का भी हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। फिर डाइवर्जेंस का हमने ये भी कैलकुलेट किया था, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो है वो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ऐसा भी कैलकुलेट किया था। इसका मतलब कर्ल के लिए भी एक ऐसा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो कर्ल के लिए भी अब फॉर्मूला ऐसा कैलकुलेट करेंगे, कर्ल होता है डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, तो ये भी फॉर्मूला अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कर्ल का वो फॉर्मेट ही कैलकुलेट करेंगे, वो फॉर्मूला, ठीक है? तो कर्ल का वो फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करके लाएंगे। क्लियर? फिनिश करें? चलो ठीक है, इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है? देखो चीजें काफी सारे टर्म्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करोगे ना, इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं किया ना ये नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। पढ़ते वक्त तो आपको लगेगा हाँ इससे ये स्टेप आ गया, इससे ये स्टेप हो गया, लेकिन पढ़ते वक्त ही हो पाएगा, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? ओके।